आपके विधायक नाराज हैं, और अब तो बात यह आती है कि आप इतने नाराज हैं कि आप इस्तीफा भी दे सकते हैं। अरे मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, और ये सब जो हुआ है, जो अजीत दादा ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है वही देश को आगे ले जा सकता है। मोदी जी का नेतृत्व सक्षम है, हमारे भारत को महासत्ता की ओर ले जा सकता है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो विकास के काम किए, मैंने देवेंद्र जी ने पिछले साल में, इससे वो प्रभावित हो गए, उन्होंने विकास को साथ दिया है। और उनको जब पार्टी ये गठबंधन में जब उन्होंने आने का निर्णय लिया है, तो मैं हमारे वरिष्ठ जो है देवेंद्र जी, मैं और वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने सब विश्वास में लेके हमने किया ये निर्णय लेना, ये क्योंकि उन्होंने हमारी जो भूमिका है, हमारी सरकार बनाते वक्त हम बाला साहब के विचार वाली विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जा रहा, उसी के साथ विकास को जोड़ रहे हैं। और पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है, और विकास को हम साथ दे रहे हैं। और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते, अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए हैं। और आगे तो और काम होगा, मजबूती से काम होगा, और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है, ये इस्तीफे की खबर है, ये लोगों ने कहा आप इस्तीफा दे रहे हो, क्या प्रतिक्रिया थी आपके मन में, क्या लगा आपको? अरे कितने हद तक जाना, मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है, वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए, दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या? वो देखो, वो तो घर टूट गया है आपके इस ऐसे रवैये से। और हम लोग तो काम करे जा रहे, मेरी भी कल हमारे विधायक और सांसद जी से बैठक हो गई, उन्होंने भी कहा कि क्या है ये राजनीतिक, वो जो प्लस का जो गणित होता है, ये समीकरण मराठी में कहते बेरजेचं राजकारण, इसमें ये सरकार तो पहले से कहते हैं कि सरकार गिरने वाला है, सरकार जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, वो तो जब सरकार का शपथ विधि हुआ तभी से वो चल रहा है, लेकिन दिन पे दिन ये सरकार मजबूत हो रहा है, मजबूत होते जा रहा है। आज 200 के पार हो गए हमारे विधायक तीनों पार्टी के मिलके, और हमें केंद्र सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, हमारे अमित भाई गृह मंत्री है, वो भी इसमें हमेशा ध्यान देते, जो भी कुछ समस्या होती है, जो भी प्रश्न है, जो प्रस्ताव हमारा जाता है, वो तुरंत मान्यता हो जाती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार जो है ये बहुत मजबूती से काम कर रही है, और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। शिवसेना के कुछ विधायक निराश हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा, या जितनी संख्या मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, इसको लेकर के आपने कहा कि बैठक हुई है, तो क्या उनमें निराशा है, कैसे में निराशा है? देखिए उनको सब बातों जो भी हुआ है सब उनको बता दिया है, क्योंकि हम लोगों ने तो शुरुआत में सरकार में से बाहर चले गए थे, हम सत्ता में से सत्ता को छोड़कर चले गए थे, हमें क्या मालूम था क्या होने वाला आगे, लेकिन एक विचारधारा लेकर, एक भूमिका को लेकर हम लोग सरकार से सत्ता से बाहर निकले थे। तो हम सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में हम लोग ने निर्णय नहीं लिया है, जो पहले सिर्फ सत्ता की लालच में निर्णय लिया था, कुर्सी की लालच में लिया था, हमारे विधायक लोगों ने तो क्या होगा आगे इसका भी कोई परवाह नहीं की थी। तो इसलिए ये जो अजीत पवार और उनके सहयोगी जो है वो साथ में आने से सरकार और मजबूत हो गया है, और जोर से इस राज्य का विकास होगा। हम लोग देखिए, हम आम आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं, यह हमारी सरकार जो है आम आदमी की, सर्व सामान्य लोगों के भलाई वाली सरकार, यही हमारा एजेंडा है। और मैं भी एक तो आम आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, एक ग्रासरूट से आया हूँ, और इतना सब काम हो रहा है, तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी सरकार जो है प्रो डेवलपमेंट है, प्रो पीपल है,
और देखते हैं आप कितने बड़े बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर चालू है, काम देश में नंबर एक का इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में शुरू है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो गुजरात और कर्नाटक आगे गए थे। जैसे मैं देवेंद्र जी मैं और देवेंद्र जी सरकार हमने बनाई तो फिर हम लोग नंबर एक पे आए। तो ये लोग चाहते हैं कि काम, और लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही और मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से ही अजीत दादा पवार और हमारे साथ आए, उनका हम लोगों ने स्वागत किया है। सर, शिवसेना उभटा की तरफ से फिर एक बार दावा किया गया है कि आपके कुछ विधायक मातोश्री के संपर्क में है और वो वापसी करने के लिए देख रहे हैं, उनके बारे में विचार किया जा रहा है लेने के लिए। अरे 200 से ज्यादा इधर विधायक है, इधर इतनी मजबूत सरकार है। अभी जितने विधायक हमारे उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2.5 साल में कितने पैसे फंड मिले उसका अगर जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि साल भर में उनको उनके विकास चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी पैसे सरकार की वजह से मिले। सरकार ने उनको फंड्स दिए हैं, सरकार ने उनके चुनाव क्षेत्र के कई प्रकल्प है उसे मान्यता दी है, काम शुरू हो गए। तो जहाँ जहाँ घर में बैठने वाले सरकार, घर में बैठने वाले मुख्यमंत्री के पास कौन कभी जाता है क्या? उल्टा ये तो अफवाह है, उन्होंने नाम तो बताना चाहिए कौन है उनके संपर्क में। ये तो अफवाह पहले दिन से है, शुरुआत से जब हम गुवाहाटी में थे तब से है इतने लोग हमारे संपर्क में है, एक भी का नाम नहीं बताया। अभी बताओ, मेरी चैलेंज है। और हमारे सभी विधायक जो है चुनाव क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिन्होंने उनको चुन के दिया है उनको न्याय मिले, यही भावना हमारे विधायक लोगों की है और सांसद जी की है, वो हम कर रहे हैं। शिवसेना सरकार में है, भाजपा सरकार में है, एनसीपी भी आ गई है, अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी कुछ लोग सरकार में आने के लिए उत्सुक हैं और उनसे कुछ बातचीत चल रही है, अशोक चव्हाण का भी नाम आ रहा सामने। नहीं, अभी मुझे पता नहीं उस पर, अभी मैं मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार बहुत मजबूती से काम कर रहा है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जो होगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में 45 प्लस ये सीटें आएगी। इतनी बड़ी ताकत है और इतने बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए हैं, और इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी पूरे थम्पिंग मेजोरिटी से अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक दोनों चुनाव हो गए। और इसी से डर गए हैं सामने वाले, और इसी से ऐसे उठपटांग बातें करते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दो उनको। सर, एक आखिरी सवाल, तीन पार्टियां एक साथ हैं तो आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, तो उसमें सीटों के बंटवारे के लिए कोई फॉर्मूला है? क्योंकि लोगों में सबसे बड़ा संभ्रम है कि सीटें कैसे बटेंगी, उस पर विवाद होगा। देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है विधायक उनकी सीटें बरकरार रहेगी, जो बचेंगे उसमें हम तीनों मिलके ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्थानीय निकाय वहाँ के जो स्थानिक जैसे वहाँ का परिस्थिति वैसे जैसे जैसे होगी वो उसके ऊपर निर्णय लेंगे।